सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हेलो भाई। और हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। सभी लोग ठीक होंगे? तो आज स्कूल की तो छुट्टी है, तो इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि आंवले लाया हूँ कल मार्केट से, और अब मैं बनाता हूँ आंवले का आज अचार। देखिए, आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने आंवले लाया हूँ। मैं ये देखिए टोकरी लाया हूँ धोके रखने के लिए, और ये है मेरे आंवले। तो ये आंवले मैंने अभी ला रखा हूँ मैं बाहर। बहुत बड़े बड़े दाने भी हैं, ये देखिए आंवले के इतने बड़े बड़े दाने हैं, जैसे पहाड़ों में एक माल्टा होता है वैसे माल्टा के जैसे दाने हैं। बहुत बड़े दाने वाला आंवला है ये। तो इनको मैं अभी धोऊंगा, उसके बाद धोने के बाद इनको बॉईल करूंगा, और ये अभी मैंने फूल भी लगाने हैं यहाँ पर। मैं आज बाहर नल में हैंडपंप उसके, तो अब आप लोग देख रहे हो मैं हैंडपंप में धो रहा हूँ आंवलों को। इसके बाद धोने के बाद इनको हल्का सुखाऊंगा, उसके बाद मैं इन्हें उमालूंगा अभी। और अभी मैंने हल्का इनको मैं धूप में सुखाऊंगा, तो मैंने रख दिए टोकरी में, और जब ये सूख जाएंगे इसके बाद उमालने के बाद फिर इनको दोबारा से सुखा जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, उसके बाद डाला जाएगा आंवले का अचार। अब आंवले तो मैंने भिगा दिए हैं, धो दिए हैं, और उसके बाद मैं बना रहा हूँ सब्जी। तो मैंने एक सब्जी तो बना के रख दी है बैगन की, और अब मैं बनाऊंगा अभी दूसरी सब्जी। बैगन की सब्जी मैंने बना के रख दी, ये रख दिया कढ़ाई में मैंने बैगन की सब्जी, और मैंने दूसरी सब्जी के लिए काट रखा है प्याज। तो अभी मैं बनाऊंगा सब्जी, ये है प्याज काट रखा है सब्जी के लिए, और ये है बैगन। तो बैगन की सब्जी अभी पक रही है, इसके बाद मैं बनाऊंगा अभी। अरे नैतिक है, नैतिक का तो कुछ काम है नहीं, सुबह सुबह ये वीडियो देखने लग जाता है और फोन में गेम खेलने लग जाता है। काम में ये देखिए हो, उनका अलग काम चल रहा है, सुबह सुबह साफ सफाई सब चल रही है। ये इन्होंने अपना रूम अच्छे से डेकोरेट भी किया है, ये है इनका रूम, ये देखिए आप लोग, अच्छे से डेकोरेट कर रखा है इनने। तो ये लगी है अपनी मेहनत में। और अब मैं बनाने लग गया हूँ दूसरी सब्जी प्याज की। अभी मैं प्याज फ्राई करूँगा, और प्याज को फ्राई करने के बाद मैं बनाऊँगा इसकी सब्जी, और फिर मुझे आज डालना है आंवले का अचार। तो ये बना रहा हूँ मैं सब्जी, अभी इसमें मसाले वगैरह डालूँगा, और मसाले डालने के बाद इसको मैं पकाऊँगा अच्छे से। और मेरी एक और सब्जी बन के रेडी थी प्याज, और मैंने लगभग ये सभी मसाले डाल दिए, और अब मैं डालने लग गया हूँ नमक हल्दी मिर्च सब्जी मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है। और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर अधिक से अधिक इतना हो सकता है अपने छोटे भाई के लिए, इतना कष्ट कर दें कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अब ये मोनिका लगी है यहाँ पर झाड़ू पोछे में, ये लगा रही है पोछा। अब आप लोग देख रहे हैं मोनिका को पोछा लगाते हुए। और अब मैं जा रहा हूँ रोज की तरह दूध लेने, तो आपको अभी मैं दूध लेके आता हूँ। मैंने आपको परसों भी दिखाया था कि मैं कहाँ दूध लेने जाता हूँ और कैसे कैसे दूध लाता हूँ, तो आज अब मैं वो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आज अभी मैं जा रहा हूँ जल्दीबाजी में दूध लेने, और उसके बाद फिर मैं अभी जो आंवले का अचार बनाऊंगा उसे बनाता हूँ, और उसके बाद जो भी और काम होंगे अभी आपसे शेयर करूंगा मैं। मेरी वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे तभी उसमें व्यूज बढ़ेंगे। और लाइक कर दें अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपका यही सहयोग चाहिए मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यूज आएंगे तभी वीडियो आगे चल पाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जब शेयर करेंगे तो मेरा सहयोग करें। और अब हमने आंवले के अचार के लिए आंवले उमालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैंने पहले आंवले धो दिए थे, और अभी उमालने के बाद अभी उमल चुके हैं आंवले, इनको हम अब सुखाने के लिए ऊपर धूप में रखेंगे। तो यहाँ पर से अब ये आंवले निकाल लें इसमें से, क्योंकि अब ये अच्छे से उबल गए हैं, और उमलने के बाद अभी हम इसको सुखाएंगे, धूप में अभी ले जाएंगे हम इनको। और अब ये एक बार के आंवले जो अच्छे से हमने उबाल दिए थे वो रख दिए हैं अलग से, और अब ये दोबारा उबालने के लिए रखे हैं, इनको भी अभी हम छत में पहुंचाएंगे।
अभी हमने अच्छे से पकाए और अब हम लागे हैं छत में इनको सुखाने के लिए। और अब इस छत में हमने धूप में डाल दिया, अभी सूखेंगे अभी। और इसके बाद इसमें हम मिला रहे हैं अब मसाले। अब यहाँ पर देखिए आंवले जो हमने पहले इनको उबाला, फिर हमने इनको धूप में सुखाया, और इसके बाद अब मिलाए जा रहे हैं इनमें मसाले। और यहाँ पर मसाले मिलाने के बाद फिर हम डालेंगे इनमें तेल। तो मसाले में मिलाएंगे आंवलों को, फिर तेल में मिलाएंगे। तेल में मिलाने के बाद हम इनको डाल देंगे एक डिब्बे में। तो हमारा आंवले का अचार बन के हो जाएगा तैयार। यहाँ पर आप लोग देखिए ये सब मसाले मिलाए जा रहे हैं इसमें, नमक मिर्च हल्दी, और जो एक अचार का मसाला आता है वो अलग से मिला जाता है। और ये हमारी मम्मी भी बहुत बड़ी कलाकार हैं, तो मम्मी हमारी बिनाई कर रही हैं। ये देखिए मम्मी जी ने बना रखे हैं ये सब, ये उनसे बिन करके बना रखे हैं। तो मम्मी बहुत अच्छी अच्छी बिनाई करती है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये बना रखे हैं बहुत अच्छे, षटकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, तो ये सब बनाती है मम्मी। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसे बनाते रहती हैं। तो और ये मोनिका है जो कि लगी है आंवले का अचार बनाने में, और मम्मी जी की बिनाई चल रही है। तो ये देखिए अब इन्होंने सब मसाले मिलाए, उसके बाद इसमें तेल डाला। तो तेल डालने के बाद अब इसको मिलाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सब तेल में मिलाया जाएगा। उसके बाद सब मसाले मिला करके, तेल मिला करके, इसके बाद इसको डाला जाएगा वो जो डिब्बा रखा है उस डिब्बे में। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मेरा एक ही निवेदन हाथ जोड़ करके कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। और ये देखिए हमारा आंवले का जो अचार है हमने बना करके मसाले मिला करके डिब्बे में डाल दिया है। और